यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज निकल के आ रही है। क्या है गुड न्यूज, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि सर 17 से 20 तारीख तक की जो करेक्शन विंडो हम सभी को दी गई है उसके अंदर हम लोग करेक्शन नहीं कर पाए, तो क्या हम लोग आगे नहीं कर पाएंगे। तो उसी को लेकर जो आप लोग के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप लोगों की जो करेक्शन विंडो है उसको एक्सटेंड कर दिया है। उन्होंने 24 तारीख शाम को 4:59 तक का आप सभी को टाइम दिया है जिसके अंदर आप लोग करेक्शन कर सकते हो। अब इस करेक्शन के अंदर कुछ मैंडेटरी चीज रखी जिनके अंदर आप लोग करेक्शन नहीं कर सकते हो। जैसे आप लोग कैटेगरी को आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है जिसको आप लोगों ने अपलोड किया था उसको आप लोग वापस से चेंज करना चाहते हो तो उसको आप लोग कर सकते हो, कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते हो। देन इसके अलावा आप लोगों का नेम है, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, आप लोगों का सिग्नेचर, आपके फोटो है, इसके अलावा आप लोगों का रजिस्टर्ड मेल एड्रेस, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इनमें आप लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी फील्ड्स बचे हुए हैं उनके अंदर आप लोग सभी चेंज कर सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट गुड न्यूज है कि उसको एक्सटेंड कर दिया गया है करेक्शन विंडो को, जिससे आप सभी कोई भी एरर ना बचे और उसको इजीली कर पाओ, क्योंकि इसके बाद में कोई भी करेक्शन विंडो आप सभी के लिए नहीं आने वाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लियर कट आप सभी के लिए बता दिया है। आई होप कि इससे बेहतरीन गुड न्यूज आप सभी के लिए नहीं हो सकती है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 CUT चैनल से। आप सभी हमसे मिलने के लिए आ रहे हो ना 23 तारीख को संडे को दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के अंदर, तो रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको फिल कर दीजिए जिससे आप लोगों के लिए पासिस का बंदोबस्त हो पाए। थैंक यू एंड बाय टू ऑल।